Okay, dear friends, our press media, electronic media, বন্ধুদেরকে প্রথমে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমাদের এই প্রেস মিট ঢাকার ব্যাপারে সবকিছু বিষয়বস্তু আপনাদের সামনে আমাদের মহারাজা উনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন এবং ত্রিপুরা অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে মূলত এই প্রেস মিট ঢাকা। এখন আমি অনুরোধ করছি মাননীয় মহারাজকে এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, শর্ট নোটিস মে আপ লোগো কো বুলায়া। कोई लोग शायद जानते थे कि प्रोग्राम आज होगा, कोई लोग को शॉर्ट नोटिस में बुलाया गया। अगर आपको कोई कष्ट हुआ तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज। आज का प्रेस मीट है कि मीडिया को ब्रीफ करने के लिए कि आज हमारा त्रिपुरा मोथा का एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि आने वाले ADC इलेक्शन में त्रिपुरा अब ग्राउंड में आकर इलेक्शन में शामिल होगा। हमने सब रीजनल पार्टीज को, जो रीजनल पार्टीज हैं उन सबको हमने बोला है कि आप अगले 4-5 दिन में या एक हफ्ते के अंदर अपना पोजीशन हमको बता दें, क्योंकि हमको सिंगल प्लेटफॉर्म में ADC में लड़ने से हम लोग का फ़ायदा होगा। अगर अलग अलग लड़के हम इलेक्शन लड़ें तो सबका नुकसान होगा। We have appealed to all the regional organizations, political parties, either to come and merge with Tripura or at least come together in a single platform so that we can fight the ADC election together. We will wait for them for the next few days. If the response is good, well and fine. Otherwise, we will chalk out our own path. That was the meeting today. We have also taken a resolution that our demand is not against any specific community but for the welfare of the autonomous district council and beyond that. Our demand for greater Tripura land is not victimizing any community. We don't want to victimize any community. We don't want to target any community. We want to come up with a solution for Tripuris who are even outside the ADC area. So some sort of rehabilitation, not only in the state of Tripura but across the region, should be done. So that was our meeting, and we wanted to inform the press, Abhijit was done with it, कि हम सब पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं जो रीजनल हैं, और अगर हमारा आइडियोलॉजी और हमारा डिमांड से उनका आइडियोलॉजी मैच करता है देन हम लोग एक साथ सिंगल प्लेटफॉर्म में ADC इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगर कोई आपको जो डिमांड है उसको आप लोगों से नहीं तो नहीं होगा, तो आपको क्या पूरा ADC में अकेले लड़ाई? नहीं, मुझे लगता है कि सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि 90% ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक ही बात बोलते हैं, एटलीस्ट रीजनल, लेकिन हम लोग के डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो मैंने अपील किया है कि उस डिफरेंसेस को छोड़कर हमारा जो डिमांड है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, उसी में आकर एक प्लेटफॉर्म से आप लड़िए। पावर सबके पास नहीं आता है, लेकिन आइडियोलॉजी सबके पास रहता है। तो हमारा आइडियोलॉजी अलग है, और अगर आपको आना है यू आर मोस्ट वेलकम। अगर नहीं आना है ठीक है, स्टिल नो प्रॉब्लम, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम अपने लाइन में चलेंगे। सर, आपका फाइट किससे होगा, या BJP या CPM? मेरा फाइट, मैं सामने वाला आदमी को देखकर फाइट नहीं करता हूँ, मैं अपना लाइन लेकर चलता हूँ। जब मैं कांग्रेस में था तो मेरा फाइट BJP और CPM से था। आज मैं कोई नेशनल पार्टी से नहीं हूँ, तो कोई मुझे दिल्ली से नहीं बोल सकता कि मेरा दुश्मन कौन है। एवरीबडी इज़ फ्रॉम त्रिपुरा, कोई मेरा दुश्मन क्यों रहेगा? मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, उनका अलग आइडियोलॉजी, वो अलग लाइन में चलेंगे, लेकिन मैं ना कि CPM, ना कि कांग्रेस, ना कि BJP से फाइट कर रहा हूँ। मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, मेरा डिमांड अलग है, वो डिमांड में मैं चल रहा हूँ। अगर वो मान लेते मेरा डिमांड, मेरा फाइट उनसे भी नहीं होगा। रिजर्व पार्टी कितनी पार्टी के साथ आप लोग की बातचीत हो रही है? सबसे बात होगी, किसी को नहीं छोड़ा, ऑल रिजर्व पार्टी के साथ बात होगी। सर, योर डिमांड हैज बीन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, whereas IPF, which is in power in the state government in the last, BJP has also assured Tripura land before they came into power in 2018. So this difference of nomenclature, how would you negotiate this difference between greater and Tripura land? Any Tripura sir, any indigenous person living outside the ADC area, whether it is Nandanagar, Abhaynagar, whether it is in Kanchanpur, whether it is in Udaipur, whether it is in Dharmanagar, why only in the state of Tripura? If people can demand for greater Mizo council in Jampuri, why can't I demand for autonomous body in Mamit?
why can't I demand something in Patharkandi, Hailakandi? There are people who are saying that Komila should be a part of Tripura because of the historic connection. Why not Khagrachari then? So everything is open. If the Nagas can demand greater Nagaland, if there is a group of people which are demanding a separate council in Jampui Hills, then as an indigenous person from Tripura, why can't I demand rehabilitation of all Tripuris outside the part of Tripura? So ye mera demand bahut clear hai. Kisi ko, it's not a, even in Bodola, even in Kachar, Silchar, people are asking for an autonomous council for the Bengali people because they feel that they are not being given enough role in Assam. It is not against any community. It is for the welfare and a single autonomous body. It may not be a council, it could be a body. Bodoland mein yehi hua hai. Jo bhi Bodos hai, jo Bodoland ke bahar hai, unke liye bhi ek autonomous body government ne nahi diya hai. To hum bhi wahi demand kar rahe ki hame bhi apna welfare ke liye dikhe. So will you organizations have similar demands of this autonomous councils outside Tripura, like in, you said, Mamikil Patharkandi? I am saying that there should be a body set up to look into the genuine problems which is faced by people who are outside their home state. Now, this is something which is on the basis of a community thinking. And what is the harm? If the Nagas, if the NSCN, which is not even a, which is a proscribed underground outfit by the government of India, is demanding that parts of Assam, Arunachal Pradesh and Manipur be a part of Greater Nagaland, they're demanding for a next separate flag, and the government of India is entertaining them, why can't I, as someone from Tripura, demand something similar for the welfare of Tripuris? Tripuris are in terrible conditions in Khagrachari, Bandarban, in Bangladesh. Look at the situation of the Rangkhols, the Tripuri community, I mean the Rangkhols, the Riangs, even the Khasis and the Garos in Patharkandi, Hailakandi. If you look at the condition of some of the Tripuris in parts of Agartala, it is not up to the mark. So why not have a separate thing? Same thing in Assam, the people in Silchar are demanding because they feel that they are not treated in equal power in other states. One more question, Maharaj. You said that when you were in Congress, तो आपकी लड़ाई CPM से थी और BJP से थी, लेकिन अगर अभी आपका अपना social organisation है या regional party जो party हो जाएगा, party हो जाएगा, तो ये regional party का लड़ाई में political लड़ाई में आपको सबसे ज़्यादा ADC चुनाव जो होने वाला है उसमें सबसे बड़ा challenge किसको लगता है? मुझे current ground situation को मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि कोई challenge है, मुझे कोई नहीं लगता कोई challenge है, मेरा मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ. आज बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, सीपीएम है, तीनों नेशनल पार्टीज है. अगर तीनों नेशनल पार्टीज को मेरा डिमांड को पूरा करना है, आके ओपनली इन राइटिंग में मुझे ट्रांसपेरेंटली दीजिए कि आप, मैं आपके ग्रेटर टिप्रलैंड को मानता हूँ, मैं उनसे ओपनली बात करूँगा, छुप के बात नहीं करता हूँ. आप ओपनली अग्री कीजिए ना मेरा डिमांड को आप मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो आई विल अपोज. मैं कोई पर्सनल पोस्ट के लिए नहीं भाग रहा हूँ. मुझे कोई कुछ भी पोस्ट ऑफर कर दे नेशनल पार्टी से, मैं नहीं जाने वाला. मेरा लाइन एकदम क्लियर है कि मैं फाइट करूंगा जो मेरे आइडियोलॉजी से अपोज है, और जो मेरे आइडियोलॉजी अपोज नहीं है, मेरे संग नहीं भी आए एक प्लेटफॉर्म में, मैं उनके खिलाफ फाइट नहीं करूंगा. सर, आप खुद चुनाव लड़ेंगे? वी विल सी मे बी यू कैन बिकम माई इलेक्शन एजेंट. सर, को सामने अपने लगता है वो जो डिमांड करके सत्ता में आया है, पानी तो डिमांड पूरा किया गया है, उनका सेटिस्फाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि IPFT सेटिस्फाइड है. मेरा IPFT के लीडर से बहुत बात हुआ है. NC देव वर्मा को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. जो भी हुआ मेवाड़ को मैं बहुत पसंद, प्यार, मतलब फैमिली का जैसा रिलेशन, मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि हम लोग को एक ही प्लेटफॉर्म में आकर एक ही संघ होकर फाइट करना चाहिए. IPFT के संग मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, INPT के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, TSP के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तिपरा हा के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फतल कन्या का जो त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट है उसके संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. I will not announce it till they announce it themselves, but it is better that they announce it because it is not right for me to make statement for some other party. IPFT के बगैर बाकी जो पार्टी के नाम अभी अपने बोले हैं, INPT, तिपरा, TPL, इस तरह जो भी रीजनल पार्टी त्रिपुरा में है, उनमें से क्या किसी ने अभी तक आपने? मैंने सबसे बात किया है
किसी को कुछ भी स्टेटमेंट देना, लेट देम मेक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट. ये ठीक नहीं लगेगा फ्रॉम माय एंड टू मेक अ स्टेटमेंट फॉर देम, बिकॉज दे हैव द ओन स्ट्रक्चर, दे हैव द ओन एग्जीक्यूटिव बॉडीज. उनको वो स्टेटमेंट देने दीजिए, मैं उनके पक्ष से स्टेटमेंट नहीं दूंगा. लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे थनसिया चाहिए, मुझे यूनिटी चाहिए. अगर हम 72 इयर्स से कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा आवाज़ दिल्ली में नहीं पहुँच रहा है, इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ. वी हैव टू ब्लेम आर लैक ऑफ यूनिटी. आज एक जेन्यून फीलिंग है हिल्स में कि अगर हमारी यूनिटी आ जाए तो ये हम अपना भविष्य खुद बना सकते हैं, ना कि ब्लेम एनीवन. तो ये अच्छा टाइम है मुझे, मैं अपने पोजीशन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ. या फिर वो आकर त्रिपुरा से मर्ज कर ले, या फिर हमारे संग सिंगल प्लेटफॉर्म में आकर ईडीसी. कोई नेशनल पार्टी यदि आपको मतलब बुलाए या फिर आप लोग कोई नेशनल पार्टी से क्या अलायंस करते हैं? नहीं, आप क्लियर सवाल पूछ सकते हैं. कोई नेशनल पार्टी यदि आपको बुलाए, कोई मतलब तीन ही है समाजवादी से कोई भी पार्टी आपको बुलाए तो आप क्या अलायंस करेंगे? कौन से इशू में? एडीसी के इलेक्शन नहीं, किस इशू में? अलायंस आइडियोलॉजी में होगा अलायंस. वो मुझे फाइनेंस करेंगे, फंडिंग होगा, मुझे राज्यसभा का एमपी मिल जाएगा या सीएम, उसमें मैं अलायंस नहीं करूँगा. मेरा पॉइंट को मानिए, अलायंस होगा. अगर आपने मेरा पॉइंट ओपनली पब्लिक के सामने मांगा तो अलायंस होगा, वो बैकडोर अलायंस नहीं होगा. सर अभी तो गवर्नर के पावर में नहीं, मुझे लगता कि एडीसी 1984 से नॉर्मली नॉमिनेशनली बना है, कुछ तो हुआ नहीं है. इसके लिए वी डोंट वांट एडीसी एनीमोर, वी वांट त्रिपुरा लैंड, अ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड. एडीसी इटसेल्फ इज इररिलेवेंट, कुछ नहीं मिल रहा एडीसी से. 37 इयर्स हो गए एडीसी को मिलके, कुछ नहीं हुआ. वही मोर पावर टू एडीसी. मोर, व्हाट इज मोर पावर? हम लोग बोलते हैं कि मुझे खाना और चाहिए, खाना और चाहिए, खाना काफ़ी नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर पेट छोटा है, या फिर खाना टाइम में नहीं आता, कुछ तो प्रॉब्लम है. और मैंने इसके लिए कहा है कि अब मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ डिमांडिंग मोर पावर टू एडीसी. वी वांट अ डायरेक्ट ग्रेटर त्रिपुरा. व्हेन यू से ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, आर यू ओनली टारगेटिंग द पीपल हु आर सपोजली पर्सिक्यूटेड आउटसाइड द टेरिटोरियल काउंसिल ऑन ऑल एरियाज वेयर दे लिव एज वेल? नो, बियॉन्ड. डू यू इंक्लूड दोस, वांट टू इंक्लूड दोस एरियाज इन द त्रिपुरा एंड देन मेक इट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड? यस. So this areas of Mandirban, all these areas should be included in Tripura. No, that will be, it's a foreign, it's another country. There we can have a council set up. There we can have, see, Chakmas originally came from Chittagong. They have a council in Mizoram. Right? Now why can't we demand a similar council for people who are from Tripura, who are from the Chakma community, from the Tiprasa community, who are from the Garo community, who are from different communities, who are in Bangladesh, to have a council for us? So if you talk about this, diaspora in territorial areas, what will be your imagination? Why should today even the Bengali Hindus who have been persecuted in Bangladesh? Why shouldn't we have a body which looks after India? Supposed to no longer be a soft power, right? So why not have it? What I mean today. I think we should think about the protection of our linguistic community. How do you imagine the geographical map of this greater Tripura? Let the government of India invite me, invite all of us. Let them invite N.C. Debarma, let them invite Vijay Rampal, let them invite Mewar, let them invite Chittu Babu, Patal Kanya, Mahesh, everyone. And anyone who is there to give a solution, we give a solution. Dekho, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, आज प्रद्युत मानिक के ये जो डिमांड उठा रहा है नहीं उठाया जाता अगर आपने सीए पास नहीं किया. दिस इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सीए, दैट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनआरसी. जब विश्वजीत देवर्मा को मारा गया हमने कितना डिमांड किया, कुछ हुआ? हम लोग डिमांड कर तो मैंने देखा कि देर इज नो यूज ऑफ हम लोग फाइटिंग अगेंस्ट अ सिस्टम विच इज अगेंस्ट अस. ब्रू अकॉर्ड देख लीजिए आप, TTADC श्यामा बाबू के टाइम में पास हुआ, किसने पास कराया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कराया. त्रिपुरा अकॉर्ड किसने साइन किया? राजीव गांधी ने साइन किया सेंट्रल अकॉर्ड. उसके बाद अपना इंस्ट्रूमेंटल मर्जर से पहले सरदार पटेल वॉज बिहाइंड इट. जब ब्रू हम लोग का ब्रू अकॉर्ड हुआ तो ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने किया. तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टेट में स्टेट लीडर से बात करके, नेशनल लेवल के स्टेट लीडर से बात करके कोई फायदा नहीं होगा. अगर बात करना है तो डायरेक्टली दिल्ली से बात करें, क्योंकि दिल्ली के पास ही पावर है.
तो यहाँ में अपना टाइम नष्ट क्यों करें? हाँ, यहाँ के लीडर है, ये भी दिल्ली में बात करें, ये लेकिन आज ये जो हमारा डिमांड है ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि हमने देखा कि कुछ नहीं हुआ। हम लोग डिमांड करते जाते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि इट्स नॉट लिस्टेड एज अ अर्जेंट मैटर, एनआरसी एंड सीए इज नॉट लिस्टेड एज अ अर्जेंट मैटर, इसके लिए इसको डिफर किया गया। दो साल हो गए हैं एनआरसी के लिए, सीए के लिए एक साल से ऊपर हो गए। अब मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले, लेकिन पिछले एक साल से हमने सिर्फ अर्णब गोस्वामी का बेल ही देखा है या सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में वो अर्जेंट मैटर रहा। तो हम लोग का मैटर अगर अर्जेंट नहीं है तो हमें पॉलिटिकली भी आना पड़ेगा और तब होप करें कि एक साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल के बाद सुप्रीम कोर्ट भी हमें रिलीफ दे। लेकिन हम लोग तो इन परपेचुटी वेट नहीं कर सकते। टीएसएफ का कुछ लीडर ज्वाइन करने का खबर सुना था, कौन कौन ज्वाइन किया? प्रेसिडेंट जो आउटगोइंग टीएसएफ का प्रेसिडेंट था, उन्होंने आज एक्स प्रेसिडेंट, आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो आई थिंक चार महीने पहले उन्होंने टीएसएफ से वो किया है, उन्होंने ऑफिशियली आज टिप्रा ज्वाइन कर दिया। आज मेरे प्रोग्राम में मैंने 10,323 के बारे बात किया और मैंने कहा है आज सबके सामने टिप्रा मोथा में मैंने रेजोल्यूशन भी पास किया कि टिप्रा ये जो 10,323 जो टीचर्स है मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है, उसे लीडर से भी बात किया है कि ये सब आप आंदोलन करेंगे, पॉलिटिकल आंदोलन, कोई पॉलिटिकल नेता आकर भाषण देके जाएगा कि ये गलत हो रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने आज रेजोल्यूशन अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन से ले चुका हूँ कि अगर ये इंडिया में बेस्ट लॉयर को हम हायर करेंगे और उसका फीस मैं भरने के लिए तैयार हूँ अगर ये मैटर 10,323 कोर्ट में भी ले जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाए। मैं अपने तरफ से बेस्ट लॉयर का फीस देने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं है। लेकिन एक पावर है कि आप लॉयर का फीस, बेस्ट लॉयर इन इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए और उससे इमीडिएट रिलीफ लेके आए। मैं धोखा से किसी को अपने संग रखना नहीं चाहता। मैंने ये कहा है कि मैं उनका पूरा लीगल फीस सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए तैयार हूँ, इंडिया का बेस्ट लॉयर को भी हायर करने के लिए तैयार हूँ। सर, जिस दिन घटना हुआ था अगरतला पे, आपके जो गया था हॉस्पिटल में, तो आप बाद में गया था? मैंने उनसे बात कर लिया है, उनके जो है अब उनके जो जो इंजर्ड भी हुए उनको भी आने वाले दिन में, एक दो दिन में हम एक चेक रिलीज कर देंगे उनके ट्रीटमेंट में जो भी है। मैं सिंपथेटिकली हूँ टीचर्स के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी उनका इमोशनली फ़ायदा उठा रहा है। मुझे लगता है कि ये फ़ायदा हम ना उठाकर अगर लीगली फाइट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। सर, अभी त्रिपुरा में ऐसा जो टाइम से ये खत्म हो गया था, जो गोवाली का जो टेररिस्टिज्म का जो टाइम खत्म हो गया, फिर से वो आप फिर से बाहर आ रहे हो, आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? अगर उग्रवंती आ रहे हैं तो दो रीज़न हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल मोटिव भी है, दूसरा कि आपने ऐसा कानून पास किया है जिससे यूथ को लगता है कि आज हमारा फ्यूचर इंडिया में नहीं। दोनों रिक्रूटमेंट सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर सकता, रिक्रूटमेंट इसी भी होता है जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि त्रिपुरा फिर से उस रास्ते में जाए। त्रिपुरा में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, त्रिपुरा का व्यू अच्छा होना चाहिए बाहर से। तो इसी के लिए मैं गवर्नमेंट को यही फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप जब कानून पास करते हो, जब आप डिसीजन देते हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि एक सेंटिमेंट है जो हमेशा अपसेट होता है। ये सिर्फ मैं त्रिपुरा के बारे में नहीं बोलूँगा, आप जाकर यूपी में और पंजाब में, हरियाणा में देख लीजिए कि कितने किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी आईटी सेल बोल रहे हैं कि ये टेररिस्ट है। आप उनसे डिफर कर सकते हो, मैं भी फार्म लॉ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप जो भी उनके व्यू से अलग जाएंगे, उनको आप टेररिस्ट बोलेंगे, खालिस्तानी बोलेंगे, तो एक सेंटिमेंट बनता है और ये मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये दिस बीजेपी गवर्नमेंट शुड लर्न समथिंग फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हैड अ बिग हार्ट,
एंड ही वॉज द टॉलेस्ट लीडर, तो आप उन्हीं से थोड़ा सीख लीजिए। तो क्या नाम बोलते जो बेरोजगार इसके धमाके या मोदी का रास्ता अपना रहे हैं बेरोजगार इसे नॉट ओनली बेरोजगारी फॉरन एलिमेंट्स भी है। इसी के लिए तो मैंने कहा है कि अगर हम ग्रेटर पीपल लैंड अकॉर्ड साइन करते हैं तो यहाँ में बहुत लोग हैं जो ओवरग्राउंड आकर एक शांति की जिंदगी लेना चाहते हैं। इस अकॉर्ड में जैसे बोडोलैंड अकॉर्ड हुआ, मैं रेडी हूँ बात करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे परमिशन दे, मैं रेडी हूँ मीडिएटर बनने के लिए कि जो भी उग्रपंथी है वो ओवरग्राउंड आए और शांति का जिंदगी रहे। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जो भी गुमराह यूथ है वो बॉर्डर के उस पार गए हैं तो उनको समझना चाहिए कि वायलेंस से कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी उनको एक चांस देना चाहिए सरेंडर करने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। आप सिर्फ ATTF अकॉर्ड साइन हुआ, TNB अकॉर्ड साइन हुआ, NLFT के साथ बात हुआ बहुत बार, रिहेबिलिटेशन बहुत ही कम हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो मिले, आज ब्रू अकॉर्ड देख लीजिए आप, ब्रू अकॉर्ड साइन करके एक साल से ऊपर हो गया, रिहेबिलिटेशन अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में ये बात कहा है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और तब उसका फ़ायदा उठाने के बहुत लोग पीछे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। आपने बताया कि पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं बिहाइंड द राइज ऑफ इंसर्जेंसी इन ऑल केसेस, व्हिच सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल मोटिव्स माइट बी इन्वॉल्व्ड एंड इन त्रिपुरा? आई थिंक पीपल हु थिंक दैट दे कैन गेन बाय शॉर्ट टर्म गोल्स। सी व्हेन आई डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, आई डोंट हेट एनी कम्युनिटी, आई लव माई बंगाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स दीपा, अनुमय यू आर वेरी क्लोज टू मी, चंदन इज, आई डोंट नो इफ ही इज देयर, आई वांट सो मेनी पीपल हु आर माई फ्रेंड्स, why should I be against you personally? I'm not. This is an old narrative which is said that if let's say tomorrow people from Silchar or Kachara demanding a more autonomy within Assam because they're not treated as equals, should I say that they are secession? It's your constitution, right? If Gorkha demands Gorkha land, can they be called secessionists? So let's talk. See, this is an old Hisab Pita Hua narrative. You are not my enemy, I am not your enemy. The people who are trying to instigate you and make you emotional and say, oh no, I am not the problem, they are the ones who are the enemies. And they are there because they have benefited from political mileage because of dividing society. I am not interested in dividing any community on the basis of ethnicity or on the basis of religion. I think we can all live together. It is a denial of a political aspiration by a few which should not tarnish an entire community. Yes, sir, your question. Sir, what are the step now? What are the names? ঠিক আছে, তা আমি যে ডিসিশন নিয়েছি, দিস ইজ আ ওয়েল থট আউট ডিসিশন, ইট ইজ আফটার রিপিটেড ফ্রাস্ট্রেশন। আই ডোন্ট নো ইউর নেম ম্যাম, বাট লেট মি টেল ইউ সামথিং, আই হ্যাভ বিন এক্সট্রিমলি ফ্রাস্ট্রেটেড বিকজ আই হ্যাভ ট্রাইড মাই বেস্ট অ্যাজ এ কংগ্রেস লিডার, অ্যাজ হোয়াট মাই মাদার রাজমাতা ত্রিপুরা সেজ, ট্রাই টু টেক এভরিওয়ান, আই ট্রাইড মাই বেস্ট। দ্য প্রবলেম ইজ নট ইউ অল, আপনার প্রবলেম নেই, দ্য প্রবলেম ইজ দ্য ল্যাক অফ সিনসিয়ারিটি ইন দ্য স্টেট লিডারশিপ। যে সময় এডিসি কংগ্রেস পার্টি 84 এই সময় আমাদের কংগ্রেসে একটি লিডার ছিল অশোক ভট্টাচার্য, ওনার স্টেটমেন্ট ছিল ইউ উইল গিভ ব্লাড বাট ইউ উইল নট গিভ এডিসি, এই জাতীয় স্টেটমেন্ট ছিল না? এই জাতীয় স্টেটমেন্ট ছিল না? তো আজকে যে সময় TNB অ্যাকর্ড হয়েছিল, অনেকজন বলেছে কি না 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 অ্যাকর্ড হবে না, সব জায়গায় জাতীয় স্টেটমেন্ট হতে হয়। আজকে আসামে অনেকজন বলে কি মিয়া মুক্ত আসাম, এই কমিউনিস্ট স্টেটমেন্ট নেই। তো যে সময় আমি বলবো কি আমাদের ত্রিপুরার রাজ্যতে একটা গ্রেটার ত্রিপুরা করলে ভালো, খারাপ নেই, তো ওয়াই ইজ ইট কমিউনিস্ট? BJP has made
लद्दाख ले एंड जम्मू एज यूनियन टेरिटरी ऑन व्हाट ग्राउंड बिकॉज कश्मीर इज मुस्लिम डोमिनेटेड दैट इज नॉट जातीय सो इट इज देयर माँ माटी मानुष की स्टेट में मानुष मानुष की गोरखालैंड में मानुष था कि काम तक मानुष ना ये जो समय ममता बनर्जी बोले कि आउटसाइडर मोदी आउटसाइडर एक कम्युनल स्टेटमेंट नो ममता बनर्जी इज देयर उड़ीसा में नवीन पटनायक इज देयर पर हम लोग ने क्या किया है हम लोग सब रेडी हो जाते हैं वीर विक्रम एयरपोर्ट में फूल माला लेकर अपने लीडर को वेलकम करने के लिए आई थिंक आई वॉज इन अ नेशनल पार्टी ऑल्सो सो मे बी आई नो दिस बेटर बट बिलीव मी अगर आपको आई थिंक वी नीड टू टेक आर सेल्स मोर सीरियसली एंड वी नीड टू गेट अ बिट ऑफ प्राइड एज अ स्टेट इन त्रिपुरा अगर आपकी त्रिपुरा चुनाव में जीत किया है What will be your first sectors apart from this bitter Tipra and Tipra? No, I want Tipra to win not alone. I want Tipra to win with NCD Barna. I want Tipra to win with Vijay Ramchand. I want Tipra to win with Chittu Babu. I want Tipra to win with Buddha, with Patal Kanya. I don't want Tipra to just win alone. My point is, the day we all keep our egos aside, we can work on issues. I have very clear issues. Like and, what? No, I have very clear issues and it is... Beyond political statements, I want to create economic parity between all sections of society. I don't want to make somebody, I don't want to make Tiprasa richer than another country. I want to bring in equal parity because frankly, the people who are in power before, now and maybe in the future are the ones who have created economic imbalances. Why do you only talk about ADC? I think a person in Agartala is better off than someone in Udaipur. I think someone in Dharmanagar is better off than someone in even Kailash. Why is this happening? It is because there is a certain amount of corruption which is there in society and we don't even care about our own. Even amongst tribes is a level of discrimination. Okay, any last question? No sir, thank you. Thank you, sir, and best of luck. All the best. Thank you so much. Best of luck to you all.